वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा, नहीं छुपाया जा रहा है मौत का आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं आए वह स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे, पर यह बहुत बड़ा आउटब्रेक है, हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कहा। बता दें, चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने 100 शैया शिशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया, भर्ती बच्चों से मुलाकात की और जाना उनका हाल, और नए बन रहे हॉस्पिटल में डाले गए 100 बेडों को भी देखा। मीडिया से रूबरू हुए और रूबरू होकर कहा, मौत के आंकड़े छुपाने पर कहा कि आंकड़े नहीं छुपा रहे हैं। कहा, मैं आज आया हूँ, देख रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं आए वह स्वास्थ्य मंत्री बता सकते हैं, मुझे जो निर्देश मिला है मैं आ गया हूँ। फिरोजाबाद में डेंगू के बुखार के चलते 30 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में दौरा किया था, तब तक 39 की मौत हो चुकी थी, लेकिन यह आंकड़ा उनके दौरे के बाद कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। आज मौतों के आंकड़े की बात करें तो सरकारी आंकड़ा 50 की मौत है, यह बता रहे हैं कि, लेकिन मौतों की संख्या इस समय 50 से पार हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में बने 100 शैया चिकित्सालय में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती मरीजों का हाल जाना। इसके साथ साथ उन्होंने नए बन रहे हॉस्पिटल को भी देखा और वहां जो बच्चों के लिए 100 बेड डलवाए गए हैं उनका भी निरीक्षण किया। उसके बाद वह मीडिया से मिले, उनसे जब पूछा गया कि सरकारी आंकड़ा 50 की मौत बता रहा है लेकिन मौत तो काफी हुई है, आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा, सुनिए। 50 बताई गई है जबकि हमारे पास इसकी जानकारी है कि मृतकों की संख्या बढ़ी है, तो ऐसे आंकड़े क्यों छुपा रहा है स्वास्थ्य विभाग? ऐसा है, देखिए, आंकड़े छुपाने की कोई बात नहीं है। आज मैं आया हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं फिरोजाबाद में कैंप करूँगा, और मैं आज भी हूँ, कल भी हूँ, और जरूरत पड़े तो और आगे भी रहूँगा। अभी मैंने पहला मेरा कार्यक्रम रहा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज मैंने विजिट किया है, और हम आपसे जब हम सारे पूरा जायजा ले लेंगे तब पूरी तरीके से हम इंटरेक्ट करेंगे। फिलहाल जो मैंने देखा है आज की डेट में मेडिकल कॉलेज में 383 मरीज आज की डेट में एडमिटेड हैं, और एडिशनल बेड्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे 2 फ्लोर पे, वो भी मैं अभी राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, आपके माननीय शहर विधायक DM सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद मेरा इरादा है कि मैं जरा एक UPHC और एक आध मोहल्ले में भी जाऊँगा, देखूँगा कि क्या स्थिति है, और उसके बाद मैं बेहतर कमेंट कर पाऊंगा। देखिए, बिना इन्फॉर्मेशन के कमेंट करना ठीक नहीं है। अभी जो मैंने मरीजों के तीमारदारों से जो इंटरेक्शन किया, अमूमन लोगों ने स्वास्थ्य जो इनका उपचार हुआ है उसके ऊपर संतोष व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा है कि नहीं, एक आधे तो ये कहा कि हमारे बच्चे को दूसरा जीवन दान भी मिला। तो अब बड़ा एक आउटब्रेक है, ये सही है, और इसमें हम लोग समन्वित प्रयास कर रहे हैं। नगर विकास, आपने देखा होगा, आप लोग यहाँ के हैं, आप लोगों को पता होगा कि इन जो अफेक्टेड मोहल्ले हैं जहाँ से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं वहाँ पे एंटी लार्वल, एंटी वायरल और जो फॉगिंग का काम, ये सारा काम चल रहा है। उन्होंने, मुझे पता लगा कि नगर निगम ने मैन पावर भी बढ़ाया है, और जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो, उन्होंने मुझे बताया कि वो हाउस टू हाउस सर्वेलेंस भी कर रहे हैं ताकि मरीजों को अर्ली। देखिए, ऐसा है कि ये डेंगू ऐसा नहीं है कि क्योरेबल नहीं है, क्योरेबल है अगर सही समय पे इलाज हो जाए। और मुझे ये भी बताया है CMO साहब ने कि जो नीचे के लेवल के फैसिलिटी, ताकि सारा लोड एक इंस्टीट्यूशन पे ना आए, नीचे के जो हमारे UPHCs हैं, CHCs हैं, जिला जो इनके और अस्पताल हैं, स्वास्थ्य विभाग के और प्राइवेट के लोग, उन सबका सहयोग लेकर हम कैसे इसको निपट सकते हैं। लेकिन ये भी बताया गया कि ये जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस रहेगा, तुरंत एकदम हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो अभी तक हमने देखा है उस इस बिल्डिंग में, उसमें बाय एंड लार्ज पेशेंट सेटिस्फाइड थे। अभी मैं जाऊंगा जब मोहल्लों में और जगहों पे UPHC CHCs में, तभी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। जगह जगह जल भराव है, स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं आया? CM साहब जब आ गए यहाँ पर, स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं आए? स्वास्थ्य मंत्री का उत्तर स्वास्थ्य मंत्री दे सकते हैं, मुझे जो निर्देश मिला है मैं उतना कह सकता हूँ, और जो मुझे अभी बताया गया, मैंने आपसे कहा कि जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से देख ना लूं तब तक बात नहीं कर सकता है।
जो मुझे लोगों ने बताया वो ये बताया कि वहाँ पे काफी मात्रा में इंक्रीज हुआ है और काफी एक्टिविटी बढ़ी है। अब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी पर्याप्त नहीं है, तो वो मैं देखूंगा, असेसमेंट होगा। अगर सर आपने सेटिस्फेक्शन की बात की, एक बेड में चार चार बच्चे लेटे हुए हैं, ऐसा तो नहीं दिखा, एक आध जगह पे कहीं पे एक दो बच्चे, 100 लोगों का बेड है सर, तभी 100 शैया नाम है इस अस्पताल का, 400 बच्चे अंदर, आपने खुद बताया 350 से ज्यादा बच्चे हैं, तो कहाँ लेटे हुए हैं सर, कहाँ लेटे हुए हैं? ऐसा है कि वहाँ पे बेड्स बढ़ाए हैं, आप जाके देखेंगे, कॉरिडोर्स में रखे हैं और जगहों पे रखे हैं, जो हमारे स्टोर रूम्स थे वो खाली करा के उनको बेड्स बनाए हैं, 200 बेड्स यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए मैडम, ऐसा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा आउटब्रेक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं।